अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे पास कुछ सऊदी के लिए नई जॉब आ चुकी है। कंपनी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, सीवी सिलेक्शन है। इस जॉब के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है तो अपना अपडेट सीवी, पासपोर्ट का कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी साथ में भेजना है, और ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो वो भी ईमेल में भेजना है। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, आप वहाँ से निकाल के उसके ऊपर ईमेल कर दीजिए, और अपना फ़ोन नंबर साथ में भेजना मत भूलिए। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, 20 लोग चाहिए, और सैलरी जो है यहाँ पर दी हुई है 1400 से लेके 1800 रियाल तक। अब आपके एक्सपीरियंस और आपके टैलेंट के हिसाब से सैलरी आपको ऑफ़र की जाएगी, लेकिन आपको मान के यही चलना है कि कम से कम इतना है और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी सैलरी आपको मिलेगी। उसके बाद है होम अप्लायंस टेक्नीशियन, पंप टेक्नीशियन, बॉयलर टेक्नीशियन, फोटोकॉपियर टेक्नीशियन, लॉन्ड्री इक्विपमेंट टेक्नीशियन है, सबकी सैलरी यहाँ पे सामने दी हुई है। बीएमएस टेक्नीशियन, पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, टेक्नीशियन कटर है, उसके बाद बाइंडिंग टेक्नीशियन, मेडिकल गैस टेक्नीशियन, उसके बाद है एचवीएसी चिलर टेक्नीशियन, सैलरी यहाँ पे सामने दी हुई है। उसके बाद है एयर कंडीशनिंग इंजीनियर, एचवीएसी इंजीनियर, 5 लोग चाहिए। इसमें 3000 रियाल से लेके 3500 रियाल तक सैलरी मिल सकती है। उसके बाद है फायरमैन, फायर फाइटिंग टेक्नीशियन है, उसके बाद सेंट्रल टेक्निकल नेटवर्क, टेलीफोन सेंटर एंड नेटवर्क टेक्नीशियन है, उसकी सैलरी भी 1400 से लेके 1800 रियाल तक मिल सकती है। वाटर ट्रीटमेंट टेक्नीशियन है, एसटीपी टेक्नीशियन है, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस मशीन टेक्नीशियन ऑपरेटर हैं, सिविल इंजीनियर हैं। जिसका भी इसमें एक्सपीरियंस है वही अपने डॉक्यूमेंट भेजें, फ्रेशर अपने डॉक्यूमेंट अभी मत भेजिए, फ्रेशर के लिए जब काम आएगा तब बता देंगे। और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऊपर जो भी जॉब बताई गई है उसमें कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस है वो अपने डॉक्यूमेंट ईमेल करें। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी दिया जाएगा, और फूड अलाउंस जो है वो कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से वो भी दिया जाएगा। ड्यूटी हावर जो है 9-10 घंटे की ड्यूटी है, इंक्लूडिंग 1 आवर लंच ब्रेक। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस भी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, और दूसरे बेनिफिट जो हैं सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से वो भी मिलेंगे। ईसीआर और ईसीएनआर दोनों पासपोर्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई गल्फ रिटर्न है तो फाइनल एग्जिट पेपर होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप अपने डॉक्यूमेंट भेजने से पहले जिस कंपनी में आपने काम किया है वहाँ पर कॉन्टेक्ट करके फाइनल एग्जिट पेपर का जुगाड़ कीजिए, मंगवाइए, उसके बाद डॉक्यूमेंट ईमेल करें। इसमें बताया गया है कि जितनी भी टेक्निकल कैटेगरी हैं इसके अंदर सब में ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अगर किसी के पास पहले से है और 3 महीने नहीं हुए हैं, 3 महीने के अंदर अंदर का है तो वो भेज दीजिए, वही चल जाएगा। अगर किसी के पास है और 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं तो फिर से टेस्ट देना पड़ेगा, और टेस्ट देने के बाद ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। और जिसके पास पहले से ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट है ही नहीं तो उनको टेस्ट देना पड़ेगा, और टेस्ट देने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट आप जब सबमिट करोगे हमारे पास, उसके बाद आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और जो लोग ऐसे हैं ट्रेड टेस्ट के लिए, आप बम्बई से कर सकते हो और लखनऊ से कर सकते हो, अगर दिल्ली में टेस्ट सेंटर है तो वहाँ से भी कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे हैं जो बम्बई या दिल्ली या लखनऊ टेस्ट देने के लिए नहीं जा सकते हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट ईमेल ना करें। तो आज के लिए मेरे पास इतनी जॉब थी जो अर्जेंट है। अगर कोई इसके लिए इंटरेस्टेड है और जैसा बताया गया है वैसे अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट है तो फटाफट ईमेल करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर जो जानकारी दी गई है वो आपको समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपने डॉक्यूमेंट ईमेल करें, और डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं और उस नंबर के ऊपर बात करके आप ना कोई भी काम हो तो उसके ऊपर बात कर सकते हो।
ठीक है, मिलते हैं दूसरे किसी नई जॉब के वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।